लंबा चौड़ा बोलने का नहीं है। आप लोग जो मेरा सामने बैठा हुआ है, ये कोई इंट्रोडक्शन और इसका कोई इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है, सभी को मालूम है। ये अरुणाचल का 3 पेज देख चुके वाला आदमी है, नॉन अदर देन श्री गेगोंग अपांग। एजेंसी काउंसिल में भी ये काउंसिल मेंबर थे और यूनियन टेरिटरी में भी ये एमएलए के रूप में थे। और अरुणाचल जब स्टेटहुड अटेन किया उसमें भी उस पेज को भी ये 3 पेज को देख चुका वाला इंसान है। आज हमारे बीच बैठे हैं, हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद, हम आप सभी को मालूम जानकारी देने के लिए यही आए हुए हैं। हमारे स्टेट के इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर श्री गेगोंग अपांग जी, उसी के ब्रैंड चाइल्ड में स्टेट में एक रीजनल पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी ADP आज उसका फाउंडेशन डे है। और इसी के उपलक्ष्य में हम आपके बीच आए हैं। मेरे यहाँ अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री गेगोंग अपांग जी हैं और उस साइड में अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के श्री एडवोकेट ताते ताताक जी हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के श्री ताताक जी से अनुरोध करूँगा, वो एम एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी थोड़ा आपको ब्रीफ करें। थैंक यू। नो ही ओके लास्ट दे दी इन दरकार दो गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। हेलो गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। तो आप सबका थ्रू से माध्यम से आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजने का एक ही मकसद है कि हम लोगों ने जो है अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, जो एक रीजनल पार्टी है। दिस इज़ द सेकेंड रीजनल पार्टी टू बी रजिस्टर्ड इन द एशिया ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने 15 मई 2023 को एप्लीकेशन जमा किया था एंड इट हैज़ बीन ग्रांटेड। And white publication has been given in the press media, in national media and as well as in our local media on 26th and 27th of August. So, my dear media friends, our ADP ka jo aim and objective hai, wo baki kuch nahi, we just want to be regional. हमारा ये मकसद है कि हम जो है स्टेट में एक रीजनल पार्टी फॉर्म करके हमारा असेंबली में जो है एक रीजनल जो हमारा आवाज़ है, जो हमारा स्टेट का ग्रीवेंसेस है, द ग्रीवेंसेस ऑफ आवर लोकल पीपल दैट हैज़ टू बी हर्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इन पार्लियामेंट। तो हमारा रीजनलिज्म को लेके हम जो है आने वाला 2024 में ये ADP को हम लॉन्च करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इफ वी सक्सीडेड इन 60 सीट्स इन लॉन्चिंग द पार्टी दैट विल बी बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड आई लाइक टू अपील ऑल द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन अस to bring revolutionary change in the political history of Arunachal Pradesh. And also would appeal all the public. This is a baby step for the ADP. Need your support in the upcoming days. So media friends ki through se public ko mera message itna hi hai. Thank you. Brief history, I am quite. Yeah.
Beloved media friends and my colleagues, it is indeed a very historic but unique occasion that with the blessing of the Election Commission of India that we could able to finally launch our party, ADP. Actually, within shortest possible time, Election Commission of India has registered our party and approved it also, and permitted us to launch the party. Therefore, today we have successfully launched our party. One of my founding member of the party, Nyasam Yongsam, has explained you, and also Tate Tata, the general secretary, has also explained to you the need and reason for the formation of the regional party by ourselves. That I do not want to repeat the same thing. I would like to tell you that basic reason why we have taken this decision. Our decision is because of inept handling of the situation, particularly law and order situation in the state. Most of the problems have been created by government itself. And also, basic educational facilities which had to be provided couldn't utterly fail. Therefore, we wanted that we should take an initiative by ourselves. And law and order problem has gone down to beyond our expectation. Now, after permission of the party, we can make you commitment. We can take a vow or a solemn promise that if we were elected to the power in assembly, definitely will lead to expectation and inspiration of youth particularly and common people of this state. The condition of situation of education institution are really serious. And law and order problem is also beyond repair. It is created by government itself and high ups people. They are underestimated people. Democracy is misnomer. Democracy should have been rule of law. Law should have been allowed to go according to its due course and due process. Everything is controlled by them. Technocrats is different, but the bureaucrats, they are at the hands of the government. In our time, I remember, if something that we made a mistake also, they used to correct us. We used to appreciate them. Today, they become blind followers. I feel really sad that the situation of our state that is beyond control. What will happen tomorrow? Our youths lost their confidence with the administration and government. They are prostrated. They become, some of them have become a social problem also, created social problem. It is because of the negligence of the state government.
Now, on this historic occasion, I thank you, that I request you, through you, to the people of Arunachal Pradesh, that since it has been lost, we have to go miles and miles, millions of miles to recover. A child started after walking one step, two steps like that. We have also just, it has been born today, but will grow luxuriantly with the blessing of the people. But we require the service of the media, because media comes one of the four pillars of the Constitution of India, that they are doing professionalism jobs. Whatever the, our your services will require, I think our members will come, and this type of the facilities will be given to us. Today, I would like to express my grateful thanks to you that Press Club of Arunachal Pradesh has given us an opportunity and given this also opportunity. So, with proper hopes and grateful thanks, that we would like to thank you all. Now, any question that you can also ask me, what I'm waiting, I've given the return of the, you know, the information. In brief, this should be given. I think it should be given to you. Everyone should get it. On seeing on this, if you could kindly ask this question to three of us, one of us. Ours is that. सर आपका मतलब आप तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहा है, तो अभी का सिचुएशन में और उस जमाना का सिचुएशन में, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है? I think any problem came, we went there, we used to discuss on the spot, and amicable solution through discussions have been done. No, this type of situation has been allowed to play. But Congress is a different matter. This is people. The elected leaders should promptly come there to contain the situation. It should not be allowed to grow further. In my time, even you can go through. Not a single year that we are not allowed to go over there. Not a visit in my time. Although a plane allocation was very abysmally very small, but then I did not allow to go. Lot of things have come. A pound have flown here, but then a fund does not go to the people. And people are jobless. Unemployed, educated youth, where do they go? They are upset that this polling system should be immediately stopped. And this also, root out the corrupt practices. Corruption should be stopped overnight. And then Chief Minister, and MLS, they should also maintain certain discipline. They should look for the, you know, youths, educated youths. Empowerment should also be given to them. They should also make partner of the development of the state. Why do you think that creation of a new political party will make those changes? New political party
Our high commands are not in the center. High command is in the state headquarters. High commands are people. People's consent that we need, and whatever they give elected people, new elected members in forthcoming election, they should send a new member so that they should also be very local, and also they should be able to work for the people of this state. It will be a people friendly government, eco friendly government, environment friendly government. We want that people, according to the wishes of people, we have to run the government. So high command, the system will not be there. Nobody will interfere. It will be we elected, our parties elected leaders and the people. They have to be together. They should decide. According to their wishes of our high commands are the people, voters. Their aspiration and expectations should also be fulfilled on the ground. Sir, in addition to our colleague's question, sir, as a regional party, you have said that without central government ke, ye support, mein, waha ka high command mein support, mein, state government nahi chala paata hai. Ab, as a regional party, aane ke baad, aap chala paayega state ko? Sir, I am telling you, high command system may loot leta hai. Apna hone se, people should cooperate. Udhar se dene se, to then will be response system, response side like. It is a people, where there is way. Running of the government, not at the behest of some business people from center. We have to be ourselves. People should contribute themselves. There is no problem. I've seen that also. There is no problem. High command system is very bad. In addition, iske addition mein thoda hum elaborate karna chahenge aapko. Aap sab malum hai, hamara Arunachal ek resourceful state hai. Hum log 6th schedule mein nahi aane ka wajah se हम अपना रिसोर्स को टेपिंग नहीं कर पाता है. ये लैक ऑफ एक प्रिंसिपल डेडिकेटेड पॉलिटिकल रीजनल पार्टी इन एब्सेंस ऑफ दिस हम लोग अपना रेवेन्यू रिसोर्स जनरेट नहीं कर पाता है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज ये अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी इसीलिए बनाया है कि ओनली अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए, अरुणाचली का इंटरेस्ट के लिए ये बात करने के लिए है. ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो माउथ पीस ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसी के लिए बना है. हमारा इधर बहुत लो फोर्स है. आप अभी भी देख रहा होगा मिनरल माइनिंग है, कोल माइंस है, हाइड्रो पावर है, लेकिन इसका कहाँ पे होता है? दिल्ली से होता है. तो इसी को हम लोग सिर्फ अरुणाचली का इंटरेस्ट के लिए, अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए करने के लिए ये खासकर इसी के लिए बनाया हुआ है. तो इसीलिए इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं देने से नहीं चल पाएगा, ऐसा तो नहीं होगा. हम खुद सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट एक रीजनल पार्टी चलाएगा, उसी उद्देश्य से आज ये बनाया है. किसी का मोटर नहीं चाहिए, हम लोग अपने से करेगा. तो 6th शेड्यूल में हम आने के बाद ये 6th शेड्यूल के लिए भी बात करेंगे. मेन तो इसी के लिए है. तो इसीलिए आज हम लोग किसी का आशीर्वाद के लिए हमको रुकना पड़ता है. तो इसीलिए बोल रहा है ना आपको, ये ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल एंड अरुणाचली का इंटरेस्ट के लिए, जिसमें आप है हम है. ये कोई ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया बस चलेगा नहीं चलेगा, वो नहीं. अरुणाचली का इंटरेस्ट के लिए हम आर्टिकल 371A में है अभी एच उसके लिए भी कोई बात करने वाला नहीं है. तो ये सब
आज हम आपका इधर पूरा हाईलाइट नहीं कर पाएगा, इन हम लोग का पार्टी जब चलेगा उसमें पार्टी का एजेंडा होगा, मैनिफेस्टो होगा, उसमें बात आएगा। जस्ट आपको ब्रीफ एक दे रहा है, ये एक अरुणाचली का इंटरेस्ट के लिए है, सिर्फ अरुणाचल का नहीं, एक अरुणाचली का इंटरेस्ट में है, जिसमें आप गर्व से कह सकेगा कि ये हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है। सही सही, हम शुरू से ही आपको बताया हमारे बीच तीन फेज अरुणाचल का तीन फेज देखने वाला एक सामने है हमारे पास। तो आज अरुणाचल किस हालत में है, और अरुणाचल का यूथ आज उस जमाना का 60s का 70s का नहीं है, 21 सेंचुरी का है, जिसमें दुनिया मुट्ठी में है, आप मोबाइल में सब कुछ देख पा रहा है, दुनिया को आप देख पा रहा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम आज कहाँ पे है, उसी चीज़ को देख के हम लोग का ये फाउंडर प्रेसिडेंट, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी फाउंडर प्रेसिडेंट, उसका ये एक उसका दुख है कि अरुणाचल को हम इससे भी और आगे देखना चाहता था, तो उसी उद्देश्य के साथ ये किया है, बनाया है, और उसी उद्देश्य से ये काम करने के लिए काम करेंगे, जिसमें आपका हमारा अरुणाचल का पब्लिक का सहयोग होगा, और आशा करता है वो सहयोग भी देंगे। आज का जनरेशन समझेगा। आप ही अभी बोला है ना अरुणाचल का पीपीए पार्टी है, जिसमें उसका क्रेडिबिलिटी लॉस हो गया। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को इधर डिस्करेज करने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया है, हम अपना पॉलिटिकल नया जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया उसको आपको ब्रीफ करने के लिए आया है। फिर भी एक मुद्दा आपने उठाया, तो हम अरुणाचल पीपीए पार्टी से, और यहाँ तो रीजनल पार्टी है नहीं, यही एक है जिसका आपको कहानी अच्छे से मालूम है, तो हम उसका तुलना नहीं करेंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे। हमारा एक अपना मुद्दा रहेगा, जो अरुणाचली के लिए लड़ेंगे और अरुणाचल के लिए काम करेंगे, ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड ऑफ अरुणाचली यूथ, जो आने वाला जनरेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल बनाने चाहते हैं। आपका पार्टी का फर्स्ट एजेंडा क्या है? अभी बोला है प्रोटेक्शन प्रमोशन सेफ गार्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नहीं, पार्टी स्टार्ट हो गया, अभी आज ये हो गया, लॉन्च हो गया, तो अभी से आना शुरू होगा, जो ज्वाइन कर सकता है, जो एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया वो, और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो काम करना चाहेंगे, ऑल मोस्ट आर वेलकम, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबरशिप लेके इस मैसेज को आप हर एक बस्ती, हर एक गांव, ईस्टर्न से लेके वेस्टर्न अरुणाचल तक ये मैसेज को हम लोग पहुँचाने का कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि इसी मैसेज के साथ जुड़ जाएंगे, तावांग से लेके हमारा लोंगडिंग तक ये मैसेज जरूर पहुँचेगा, और होप करता हूँ कि वहाँ से अवेयरनेस क्रिएट करते हुए आएंगे, एंड आई होप वी विल ब्रिंग द चेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश, इन अरुणाचल पॉलिटिक्स। सर, पार्टी को एक्टिविटीज में काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आप लोग हाँ, हम लोगों का पहले बताया ये रिकॉग्निशन वहाँ से एक्सेप्टेंस करने के लिए आज हुआ है, आज आपको बताया है, लेकिन उससे पहले से काम चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग से लेके हमारा लॉन्गडिंग तक हम लोग का काम चल रहा है। पहले
पहले से चल रहा है। जब ये अब दो तीन दिन कुछ दिन के बाद पता चलेगा, ज्वाइनिंग जब शुरू होगा ना, शुरू होगा ज्वाइनिंग शुरू होगा, उन लोग खुल के आएंगे। उस समय खुल के नहीं आ पाया था कि वहाँ से रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं आया हुआ था, इसीलिए खुल के नहीं आ पाया। अभी आप देखते रहिए, खुल के आएंगे और ये एक चेंजेस लाने का एक ये होगा, स्टेट में चेंजेस लाने का हम लोग का इधर एक ये पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा जो अरुणाचल में एक चेंजेस लाने का काम करेगा। हुआ है, सिंबल भी अलॉट किया हुआ है आपको, हम बाद में दे देंगे सिंबल भी, सब कुछ अलॉट किया हुआ है।